पंचायत के माध्यम से पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में गांव के अनेक विकास कार्य हुए हैं। गांव के नागरिकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने गांव के समग्र विकास पर जोर दिया गया। बावजूद गांव के कुछ समाज कंटक प्रशासन से शिकायत करके गांव के विकास में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। गोंदिया तालुका के 4 गांव के ग्राम पंचायत प्रशासन ने शनिवार को ग्राम पंचायत में पत्रकार परिषद आयोजित कर आरोप लगाए हैं। पत्र परिषद में ग्राम पंचायत पदाधिकारियों ने कहा, वर्ष 2021 में यहां जन सुविधा योजना के तहत हनस नागपुरे के घर से गोवर्धन नागपुरे के घर तक करीब 9 लाख रुपए की सड़क का निर्माण किया गया था। साथ ही वर्ष 2022 में लोक प्रतिनिधि विकास योजना के तहत शिव मंदिर परिसर से गोवर्धन नागपुर के आवास तक 3-3 लाख रुपए के 4 कार्य कराए गए। उक्त कार्य करते समय उस क्षेत्र के नागरिकों की सड़क कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सड़क को और चौड़ा किया गया। इसके अलावा पूरे शिव मंदिर क्षेत्र को सीमेंटीकरण कर दिया गया। उपलब्ध धनराशि के भीतर केवल आवश्यक राशि का ही काम पूरा किया गया और बाकी का निर्माण विधायक निधि से किया गया था। इन सभी कार्यों का पर्यवेक्षण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा एजेंसी के रूप में किया गया और बिलों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से तैयार किया गया, जिसके बाद बिलों का भुगतान किया गया। बावजूद इसके और इस काम को लेकर स्थानीय नागरिकों की ओर से कोई शिकायत नहीं है, पर एक ग्राम पंचायत सदस्य ने कुछ लोगों को साथ लेकर खुद के आर्थिक लाभ हेतु प्रशासन से झूठी शिकायत की है कि सभी काम एक ही है और इसमें भ्रष्टाचार किया गया। ग्राम पंचायत ने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ ग्राम पंचायत का विकास है। हमारे प्रयास रहे हैं कि समग्र गांव का विकास कैसे हो। उल जलूल झूठी शिकायत प्रशासन को कर ग्राम पंचायत को बदनाम किया गया है। हमारी मांग है कि सच सबके सामने लाने, प्रशासन स्तर पर ऑन स्पॉट जांच होनी चाहिए एवं झूठे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ग्राम पंचायत प्रशासन ने गांव में मृतक के परिवार को 1500 रुपए और बच्ची के जन्म पर प्रोत्साहन के तौर पर 1100 रुपए देने की घोषणा की थी। खास बात यह है कि उस समय भी उक्त मानसिकता वाले ग्राम पंचायत सदस्य संतोष शेंडे ने ऐसी जनसेवा के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी और एक अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सदस्य संतोष हीरामन शेंडे केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ बार बार झूठी शिकायत कर रहा है और ग्राम पंचायत प्रशासन को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पत्र परिषद के माध्यम से मांग की है कि प्रशासन स्वयं आकर उक्त सड़क निर्माण की जांच कराकर सच्चाई का पता लगाकर झूठी शिकायत करने वाले संतोष हीरामन शेंडे के खिलाफ कार्रवाई करे। पत्र परिषद में 4 गांव के सरपंच यशवंत मेश्राम, ग्राम सेवक विनोद वैद्य, अज्जू गुर्दे, शुभम गजभी आदि उपस्थित थे। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।